डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। पिछले हफ्ते मैं मेरी डॉटर के साथ विंबलडन की मैच देख रहा था टीवी पे, और उसके बाद फुटबॉल की मैच यूरो 2020 देख रहा था। तो डॉटर ने ऐसे ही देखते देखते पूछा कि यूके में कोविड ख़त्म हो गया है। मैंने बोला नहीं, कोविड तो अभी भी पूरी दुनिया में चल रहा है। तो उसका सवाल ये था, तो यूके में लॉकडाउन क्यों नहीं है? यूके में इतने हज़ारों लोग मैच देखने के लिए गवर्नमेंट परमिशन क्यों दे रही है? और इसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली यह सवाल तो बराबर है कि कोविड तो सभी जगह है, तो इंग्लैंड में ऐसा क्या फ़र्क है, क्या अलग है कि हज़ारों लोग, इनफैक्ट जो फुटबॉल की फाइनल थी उसमें 60,000 स्पेक्टेटर्स ऑडियंस में थे, विंबलडन में फुल हाउस था मैच देखने के लिए। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ऐसा इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने कुछ आंकड़े इंग्लैंड के देखने की कोशिश की, और जो आंकड़े मेरे सामने आए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आप सभी को जान के हैरानी होगी कि ऐसे आंकड़े से क्या हम तारण निकाल सकते हैं और लॉकडाउन कैसे खोल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़े है कि कोविड के डेली केसेस, आपको जान के हैरानी होगी कि दिसंबर महीने में एवरेज डेली यूके में 25-30,000 केसेस आ रहे थे। इनफैक्ट जनवरी फरवरी आते आते इंग्लैंड में रोज़ के 50-60,000 कोविड के नए केस आ रहे थे। वो वहाँ का सेकेंड वेव का पीक था, लेकिन दिसंबर के एवरेज 25-27,000 केस है कोविड के। जुलाई में भी एवरेज डेली कोविड के केस 25-26,000 है। तो मतलब जब सेकेंड वेव था तभी भी यूके में 25-26,000 केस आ रहे थे, जुलाई में भी 25-26,000 केस एवरेज डेली आ रहे हैं। इनफैक्ट दो दिन पहले 10-12 जुलाई के आसपास वो ये आंकड़ा 35-40,000 डेली कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के आ गया था। तो जब रोज़ के 25-26,000 कोविड के केस आ रहे हैं, तो इंग्लैंड क्यों लॉकडाउन खोल रहा है, क्यों इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स की इवेंट्स कर रहा है? इसका जवाब ये है कि उनका जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है पिछले 6 महीने से, और उसका फ़ायदा उन्हें दिख रहा है। और फ़ायदा कैसे दिख रहा है उनका? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओवर जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका 87% एडल्ट पॉपुलेशन ने अपना एक डोज वैक्सीन का ले लिया है, और 66% पॉपुलेशन ने दोनों डोज ले लिया है एडल्ट पॉपुलेशन में। और उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? भले ही रोज़ के कोविड के केस 25,000-30,000 आ रहे हैं, लेकिन उनके हॉस्पिटल एडमिशंस काफ़ी कम हो गए। जो दिसंबर में रोज़ के 1,500-1,600 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, वो अब कम हो गए हैं। इनफैक्ट नए आंकड़े जो जुलाई के हैं वो है कि रोज़ के सिर्फ 200 या 300 एडमिशन हो रहे हैं। आंकड़े उतने ही हैं, 25-27,000-40,000 तक जा रहे हैं जुलाई महीने में भी, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो एवरेज रोज के 1,600-1,500 हो रहे थे वो कम होके 300 पे आ गए। और एक बड़ा आंकड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो दिसंबर में रोज़ के 600-700 जन मर रहे थे, कोविड के पेशेंट्स रोज़ के 600-700 मर रहे थे, अब वो आंकड़ा कम होके एवरेज 20 या 25 पे आ गया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस ऑलमोस्ट सेम है, 25,000-30,000, लेकिन डेली हॉस्पिटल एडमिशन कम हो गए, डेली कोविड की वजह से डेथ है वो कम हो गई। और ये सब कम क्यों हो गया? क्योंकि उनका जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गया है। सो वैक्सीन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो गए, कोविड के कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए, और कोविड की वजह से जो डेथ होती है वो कम हो गई। और यही देखते हुए यूके की गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है कि भले ही कोविड के आंकड़े बढ़ते रहे, ये कोविड माइल्ड कोविड होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं होगा। याद रहे जो वैक्सीन है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, नए वेरिएंट आते रहेंगे जो आपको इन्फेक्ट करते रहेंगे, लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो ये बीमारी कोविड की 2-3 दिन के बुखार में ही सीमित हो जाएगी, और आगे हॉस्पिटलाइजेशन या कॉम्प्लिकेशन का डर नहीं रहेगा। तो ये आंकड़े यूके के देख के मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वैक्सीनेशन बढ़ा दे, और जो भी कंट्री में वैक्सीनेशन का परसेंटेज ज़्यादा है वो सभी कंट्री कॉन्फिडेंटली अपना लॉकडाउन ख़त्म कर सकती है, इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स कर सकती है, इतने बड़े बड़े गैदरिंग कर सकती है। ये लेकिन जब ही मुमकिन है जब आपका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द
ख़त्म हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि दिसंबर महीने तक एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया का उसे काफ़ी मात्रा में 70-80% लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। सो हमारे लिए भी अगर अगले कुछ महीनों में अपना जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज है वो बढ़ जाए तो हमें भी अनलॉक करने का ऑप्शन मिलेगा और पहले की जैसी लाइफ हो सकेगी। सो यही मैसेज इस वीडियो में कि वैक्सीनेशन हर एक कंट्री को मदद करने वाले हैं। जिस कंट्री का वैक्सीनेशन परसेंटेज अच्छा है उस कंट्री में लॉकडाउन ख़त्म हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जिस कंट्री में वैक्सीनेशन का परसेंटेज कम है उस कंट्री में कोविड के कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स अभी भी चल रहे हैं। तो ये मैसेज काफ़ी क्लियर है, जो मुझे भी नहीं मालूम था। एक सवाल छोटी बच्ची के मन में आया और मुझे फिर उसके बारे में पढ़ने का मौका मिला और मैं भी काफ़ी इंटरेस्ट उसमें आ गया और मुझे लगा कि ये आंकड़े आप सबसे भी शेयर करने ज़रूरी है कि कोविड आगे जाके अगर वैक्सीनेशन हर एक कंट्री में अच्छा होगा तो हम उसे कंट्रोल में कर पाएंगे और एक छोटी सर्दी खांसी बुखार वाली बीमारी बन के रह जाएगी। लेकिन इसके लिए हम सबको एंटीबॉडी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है और उसके दो ही ऑप्शन है, एक वैक्सीन और दूसरा हर्ड इम्यूनिटी। या आपको कोविड हो जाए और आप रिकवर हो जाओ तो आपको एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो ये दो ऑप्शंस जल्द से जल्द हमारे देश में भी मिल जाए तो हमें भी कोविड से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा।